नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे असली हीरो वर्सेस नकली हीरो। शाहरुख खान की फिल्म जवान इन दिनों जबरदस्त तरीके से थिएटर्स में धूम मचा रही है। अगर ट्रेड की रिपोर्ट माने तो फिल्म 70 करोड़, 80 करोड़ इस तरह के कलेक्शन पर डे आ रहे हैं, और लगभग 300 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से 3 दिनों में, 3 या 4 दिनों में फिल्म का। जो नेट कलेक्शन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ा एक तूफान, एक बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आई हुई है जवान फिल्म की। और लोग कह रहे हैं शाहरुख खान ने बहुत जबरदस्त एक्शन किए, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है। तो एक्टिंग की तो कोई बात नहीं, शाहरुख खान निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। मैं भी उनका प्रशंसक रहा हूँ एक्टिंग के मामले में। एक्टिंग बहुत ही वाकई बहुत अच्छी करते हैं, चाहे वो रोमांस हो, कॉमेडी हो, ड्रामा हो, इमोशनल रोल हो, सभी तरह के रोल अच्छी तरह कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्शन पे सवाल उठता है यहाँ पे, क्योंकि अभी जो तस्वीरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, उसमें शाहरुख खान के डुप्लीकेट की तस्वीर वायरल हो रही है सेट से, जवान फिल्म के सेट से, और हूबहू शाहरुख खान जैसे लग रहे हैं। और ये कहा गया है कि ये सारे के सारे जवान में आप जितने भी खतरनाक एक्शन सीक्वेंसेस देखते हो, शाहरुख खान ने नहीं किए, उनके बॉडी डबल ने किए। और यही बात दोस्तों पठान के समय भी सामने आई थी। पठान में भी कहा गया था कि शाहरुख खान मन्नत में बैठे थे और उनके एक्शन सीक्वेंसेस शूट हो रहे थे, और KRK जैसे कई मतलब क्रिटिक्स ने सवाल उठाए थे कि जो सारा जो उनकी बॉडी दिखाई गई है और जिस प्रकार के एक्शन सीक्वेंसेज है, वो सब कुछ बॉडी डबल से कराया गया है। हालांकि आजकल तो KRK भी शाहरुख खान के पक्ष में काफी कुछ ट्वीट्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं तो आप जानते ही है। तो वो जो तस्वीरें आ रही है उसके हिसाब से ये क्लियर हो जाता है कि शाहरुख खान ने कोई भी ऐसे एक्शन सिक्वेंसेज नहीं किए हैं जिनके लिए उन्हें इतनी ज्यादा शाबाशी दी जा रही है। असली शाबाशी के हकदार ये बॉडी डबल है जिन्होंने शाहरुख खान के ये इतनी जबरदस्त एक्शन किए। और वैसे भी दोस्तों, जवान फिल्म VFX से भरी पड़ी है। जितने भी ज्यादातर जो खतरनाक एक्शन सिक्वेंसेज है उनमें भर भर कर VFX का यूज किया गया है। वही दोस्तों, सनी देओल सर का इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है, जो उन्होंने रजत शर्मा जी को आपकी अदालत में दी है, और उन्होंने कहा कि मैं अपने एक्शन सीक्वेंसेस खुद ही करता हूँ जहां तक संभव हो सके, मैं ये VFX वगैरह में विश्वास नहीं करता हूँ, और गदर 2 के जितने भी एक्शन सीक्वेंसेज है वो मैंने खुद किए हैं, और हम लोगों ने VFX का नाक के बराबर यूज किया है। तो दोस्तों, ये है एक एक्शन रियल स्टार जो अपने खुद के एक्शन सिक्वेंसेज खुद करते हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, सनी देओल हो, या पहले दोस्तों और भी कई कलाकार हमारे पुराने कलाकार है, वो पहले अपने सभी कलाकार जो पुराने 90s के हीरोज थे, जो उस समय खुद ही एक्शन सीक्वेंसेज किया करते थे, चाहे उनमें धर्मेंद्र जी का नाम आता हो, अमिताभ बच्चन का नाम आता हो, या दोस्तों अन्य कोई कलाकार हो, तो वो ज्यादातर एक्शन सीक्वेंसेज खुद ही करते थे। आजकल जितने भी हम बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेज देखते हैं वो VFX की सहायता से किए जाते हैं। हम सोचते हैं कि अपना हीरो कर रहा है इतने बड़े बड़े खतरनाक एक्शन सीक्वेंसेज। तो ये चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ भी आप समझ रहे हैं वैसा कुछ होता नहीं है हकीकत में। बहुत कम स्टार है जो अपना जो एक्शन सीक्वेंसेज है वो खुद करते हैं, रियल तरीके से करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आपका। टेक केयर। जय श्री राम। जय भोलेनाथ।